स्टूडेंट्स, मैं नीता चौहान आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल गोढ़ी लर्नर्स में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है। तो वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। जब किसी चालक तार में, यह हमारा चालक तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित कर दी, तो धारा प्रवाहित करने पर चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म होने की जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव। अब धारा कब प्रवाहित होती है, जब किसी परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गतिशील होने के कारण धारा प्रवाहित होती है। तो जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वे गतिशील होंगे, और गतिशील होने के कारण वे परमाणु से क्या होंगे, टकराएंगे, बार बार टकराएंगे। तो उनकी गतिज ऊर्जा की क्या होगी, परमाणु से टकराने पर कुछ न कुछ हानि होगी। अब गतिज ऊर्जा क्या होगी, परमाणु को मिल जाती है, और उसमें गतिज ऊर्जा के कारण जो है उसका ताप बढ़ जाता है। तो इस तरीके से वैद्युत धारा उसमें ऊर्जा में बदल जाती है, यानी कि वैद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। अब उसमें ऊर्जा संबंधी कुछ नियम है। उष्मा को प्रदर्शित करते हैं हम एच से, और एच बराबर होता है डब्लू अपॉन 4.2 कैलोरी। डब्लू क्या है, हमारी ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा, और उष्मा क्या होगी, वैद्युत ऊर्जा बटे 4.2 कैलोरी। और एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, ठीक है। अब एच बराबर हमारे फॉर्मूले हो जाएंगे, डब्लू बराबर क्या होता है, वी आई टी अपॉन 4.2 कैलोरी। H बराबर W बराबर ये फॉर्मूला और था, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी अपॉन 4.2 कैलोरी। एक था H बराबर I स्क्वायर R T, यानी कि W बराबर क्या था, I स्क्वायर R T अपॉन 4.2 कैलोरी, ठीक है। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले हो गए, वी आई टी अपॉन 4.2, वी स्क्वायर टी अपॉन आर इंटू 4.2, आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2। अब इस फॉर्मूले से जो है जूल ने उष्मा उत्पादन संबंधी तीन नियम दिए थे कि यदि आर और टी स्थिर रहे, आर और टी स्थिर रहे तो उष्मा अनुक्रमानुपाती होती है धारा के वर्ग के। दूसरा दिया था यदि आई और टी स्थिर रहे तो उष्मा अनुक्रमानुपाती होती है प्रतिरोध के। यहाँ पे क्या स्थिर है, R व T स्थिर, और यहाँ I व T स्थिर है, ठीक है। तीसरा दिया था कि यदि I और R स्थिर रहे तो समय के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसे कहते हैं हम उष्मा उत्पादन संबंधी जूल के नियम। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उष्मा उत्पादन संबंधी जूल के कितने नियम हैं, तो तीन नियम होंगे। कौन कौन से, कि एच अनुक्रमानुपाती आई स्क्वायर, एच अनुक्रमानुपाती आर, और एच अनुक्रमानुपाती टी के। अब आता है हमारा वैद्युत ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा क्या होता है, अगर डेफिनेशन आ जाए कि एक किलोवाट घंटा किसे कहते हैं, एक किलोवाट घंटा किसे कहते हैं, या फिर एक यूनिट किसे कहते हैं। तो एक किलोवाट घंटा वह ऊर्जा है, एक किलोवाट घंटा वह ऊर्जा है जो किसी परिपथ में एक घंटे में वह होती है, बट जो परिपथ की जो सामर्थ्य हो वह कितनी हो, एक किलोवाट हो, कितनी हो, एक किलोवाट, तो उसे क्या बोलते हैं, एक किलोवाट घंटा। और एक किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। एक किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 × 10⁶। अगर वाट घंटा आ जाए कि एक वाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 3600 जूल, कितने होते हैं, 3600 जूल। अब आता है हमारा क्वेश्चन वैद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत बल्ब, वैद्युत हीटर, ये क्या हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैद्युत बल्ब क्या होता है, किस पर आधारित है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वैद्युत बल्ब किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, उष्मीय प्रभाव पर। क्या है इसका सिद्धांत, वैद्युत बल्ब उष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, ठीक है। यदि
जब हम बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित करते हैं तो तंतु क्या होता है, गर्म होने लगता है और वो इतना गर्म हो जाता है कि वो प्रकाश उत्पन्न करने लगता है, यानी कि वैद्युत ऊर्जा कहीं में बदल जाती है प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, अब आती है इसकी रचना और कार्यविधि। रचना में क्या होगा, वैद्युत बल्ब में कांच का एक खोखला गोला होता है, ये क्या है, कांच का एक खोखला गोला होता है। ठीक है, और इसमें इस खोखले गोले में क्या होता है, बल्ब के ऊपर एक पीतल की टोपी लगी होती है, पीतल की एक टोपी लगी होती है जिसके दोनों ओर एक एक पिन लगी होती है। इस पीतल की टोपी को जो है चपड़े से या लाख से भर दिया जाता है और इस चपड़े को भरने के बाद इसमें जो है जस्ते के दो टांके लगे होते हैं, एक टांका यहाँ लगा होता है और दूसरा टांका यहाँ लगा होता है, और उन टांकों का संबंध तांबे के मोटे तार से, ये जो मोटे तार है इनसे होता है, जो ये टांके हैं इनका संबंध कैसे होता है, जो बल्ब के अंदर दो तार भेजे गए हैं इस तरीके से भेजे गए हैं कि ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श ना करें, तो इन टांकों का संबंध तांबे के उन तारों से होता है, और इन तांबों के तार तांबे के तारों के बीच में फिलामेंट कुंडली के रूप में यानी कि मुड़े हुए इस तरीके से फिलामेंट का तार होता है, जिसे क्या बोल टंगस्टन का एक तार होता है जिसे बोलते हैं तंतु। इन तांबे के तारों के बीच में टंगस्टन का एक तार होता है जो कुंडली के रूप में होता है और उस कुंडली रूप टंगस्टन के तार को बोलते हैं तंतु, और इस तंतु का यानी कि टंगस्टन का ये गुण है कि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, लगभग इतना 3400 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। इस बल्ब से क्या करते हैं, जब जैसे कांच का खोखला गोला है इसके अंदर से वायु निकाल के निर्वात कर देते हैं, निर्वात कहते हैं उसे जहां वायु भी ना हो। ठीक है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब हम इसे गर्म करते हैं तंतु को तो ये पिघलता नहीं है और क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे जो कम सामर्थ्य के बल्ब होते हैं उसमें तो जो है निर्वात होता है, लेकिन जो ऊंची सामर्थ्य के बल्ब होते हैं उनमें क्या होता है, वायु निकालकर निर्वात रखकर फिर उसमें नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैस भर देते हैं जिससे इनका वाष्पीकरण नहीं होता। अगर निर्वात होता है तो उसमें तो क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है और बल्ब पर धुंधली धुंधली सी परत दिखाई देने लगती है, लेकिन जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है उसमें ऐसा नहीं होता। अब आता है हमारा वैद्युत हीटर। वैद्युत हीटर भी जो है वैद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण है और इसमें क्या होता है, एक नाइक्रोम का लंबा तार लेते हैं जो कुंडली के रूप में जो चीनी मिट्टी की प्लेट होती है उसमें जो खांचे खुदी हुई होती है उस पर एक समान रूप से बिछा होता है। इस तरीके से ये क्या है, चीनी मिट्टी की प्लेट है और इसमें क्या होता है, कुंडली का तार इस तरीके से एक समान रूप से फैला हुआ होता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरीके से खांचे बनी हुई होती है, इस तरीके से जो नाइक्रोम का तार है वो चीनी मिट्टी की प्लेट में क्या होता है, कुंडली के रूप में खांचों में एक समान रूप से फैला हुआ होता है, और जो नाइक्रोम का तार है वो दो मिश्र धातु से मिलकर बना होता है, कौन कौन सी, निकिल प्लस क्रोमियम, कौन कौन सी धातु से, निकिल और क्रोमियम का एक मिश्र धातु होती है नाइक्रोम, और इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है, ये वायु के संपर्क में आने पर वाष्पीकृत ऑक्सीकृत नहीं होता। नाइक्रोम का गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है और वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत नहीं होता। जब नाइक्रोम के तार को गर्म किया जाता है तो ये क्या करता है, गर्म होकर लाल हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब आती है हमारी वैद्युत प्रेस। वैद्युत प्रेस भी क्या है, वैद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण है, वैद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण है,
और उसमें भी नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। और उसमें क्या होता है, अब रखिए एक चादर होती है, या क्या होती है, अब रखिए एक चादर होती है और उस चादर पर नाइक्रोम का तार एक समान रूप से या सपाट रूप से फैला होता है। फैला दिया, फिर इसके ऊपर एक अब रखी चादर और रख दी, और फिर इसे एस्बेस्टोस से ढक दिया जाता है, एस्बेस्टोस की मोटी परत से ढक दिया जाता है। और इसमें क्या है, यहाँ पे दो पैच है, इसे क्या की गई, वैद्युत धारा प्रवाहित की गई। जब वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये तार क्या होगा, गर्म होगा, तार क्या होगा, गर्म होगा। अब इस अभ्रक की चादर के ऊपर क्या है, एस्बेस्टोस है, और एस्बेस्टोस के ऊपर क्या है, वायु है। एस्बेस्टोस क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, और वायु भी उष्मा की कुचालक होती है। जब ये तार गर्म होता है तो इसके ऊपर ढका हुआ जो एस्बेस्टोस है वो उस उष्मा को बाहर नहीं आने देता ऊपर की तरफ से, ठीक है। लेकिन अब रख क्या है, अब रख भी उष्मा की कुचालक होती है, लेकिन फिर भी उष्मा जो है नीचे जो तली होती है नीचे की तरफ से बाहर निकल जाती है। अब जो प्रेस की नीचे की तली होती है वो लोहे की बनी होती है और उस पर क्रोमियम की पॉलिश कर दी जाती है। उसके बाद आता है फ्यूज। फ्यूज क्या, आपने देखा होगा जब कभी घरों में दो तार, जो अलग अलग तार है वे एक दूसरे को आपस में छू जाए, ठीक, या एक साथ बहुत सारे उपकरण चला दें चालू कर दें, तो उसमें क्या हो जाता है, उसका प्रतिरोध एकदम से अचानक से गिर जाता है, यानी कि कम हो जाता है। और जब प्रतिरोध कम हो जाता है तो उसकी धारा बढ़ जाती है, क्योंकि V बराबर क्या होता है, आई आर के, और I बराबर V अपॉन R, यानी कि I और R एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। R का मान कम होगा तो धारा का मान अधिक होगा। तो जैसे ER का मान कम हो जाता है, जब एक साथ सारे उपकरण चला दिए, जैसे ER का मान कम हो जाता है तो धारा का मान बढ़ जाता है और उपकरण के जलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है, यानी कि आग लगने का जो खतरा होता है वो उत्पन्न हो जाता है, उसका भय उत्पन्न हो जाता है। तो इस खतरे से बचने के लिए क्या करते हैं, जो फ्यूज तार है, जो फ्यूज है उस, वो फ्यूज कहीं के बनाए जाते हैं, तांबा प्लस टीन प्लस सीसा, और इसे परिपथ के तार में जो है श्रेणी क्रम में लगाते हैं। कौन से क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो जो आज की हमारी क्लास से टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। कल फिर अनिता चौहान आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित होगी। बच्चों आज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपके समझ में अच्छे से आया हो, तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।